हेलो स्टूडेंट, दृश्य सक्सेस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। मेरे सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके जीवन में उत्साह, प्रसन्नता, अच्छा स्वास्थ्य और आपके लिए ढेर सारी तरक्की लेकर आए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मेरे जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो थर्ड सेमेस्टर में जो टाइटल है आपका पेपर का, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, तो ब्रिटिश ड्रामा में एक ड्रामा में ओथेलो का वीडियो मैंने दे दिया है। दूसरा जो ड्रामा है वो है आर्म्स एंड द मैन, जिसके राइटर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ, और इसका पब्लिकेशन मतलब ये जो डेट है इसकी वो है 1898। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया आर्म्स एंड द मैन 1898। तो सबसे पहले हम लोग इस प्ले के जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, उनकी बात करेंगे। और इसमें जो पहला कैरेक्टर आता है उसका नाम है आपका कैप्टन ब्लंट्सली। कैप्टन ब्लंट्सली, तो ही इज ऑफ 34 ईयर्स। कैप्टन ब्लंट्सली की बात करें तो 34 वर्ष का एक युवक है। ही इज ए स्विस सिटीजन और वह स्विस नागरिक है, सर्विंग एज एन ऑफिसर इन द सर्बियन आर्मी, और वह सर्बिया की सेना में एक ऑफिसर की नौकरी करता है। एक प्रोफेशनल, पूर्ण रूप से प्रोफेशनल है। फाइटिंग ओनली फॉर मनी, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए लड़ता है। एंटर्स रैनाज रूम एज ए स्ट्रेंजर, और वह एक दिन जो हमारी इस ड्रामा की जो मुख्य पात्र है, महिला पात्र रैना, रैना के कमरे में एक स्ट्रेंजर के रूप में वह प्रवेश कर लेता है। अगला करेक्टर है रैना पेटकॉफ। शी इज ऑफ 23 ईयर्स, वह 23 वर्ष की है। सी इज ए रोमांटिक गर्ल, वह एक रोमांटिक गर्ल है, लव विद सर्जियस, और वह किससे प्रेम करती है, सर्जियस नामक व्यक्ति से, डॉटर ऑफ मेजर पेटकॉफ, और साथ ही साथ रैना जो है वो मेजर पेटकॉफ की पुत्री है। अगला आपका करेक्टर आता है सर्जियस, एन ऑफिसर इन द बल्गेरियन आर्मी। यह बल्गेरिया की सेना का एक ऑफिसर है, फेवर्ड बाई मेजर पेटकॉफ, और मेजर पेटकॉफ का इस बड़ा फेवर प्राप्त है इसे, और मेजर पेटकॉफ और उसकी पत्नी का भी। ठीक, तो मेजर पेटकॉफ और मिसेज पेटकॉफ की पुत्री है रैना। रैना प्रेम करती है सर्जियस से, और सर्जियस क्या है, एक ऑफिसर है बल्गेरिया की सेना में। नेक्स्ट करेक्टर आया मेजर पेटकॉफ। ही इज ऑफ 50 ईयर्स, यानी कि अपने 50 वर्ष के आसपास उम्र है उनकी। रैनास फादर रैना के पिता हैं, द हाइएस्ट ऑफिसर इन द बल्गेरियन आर्मी, और बल्गेरियन आर्मी में ये हाइएस्ट ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। अगला करेक्टर आता है कैथरीन पेटकॉफ। कैथरीन पेटकॉफ, सी इज ऑफ 40, वह अपने 40 वर्ष के आसपास हैं, 40 से ऊपर। सी इज रैनास मदर, वह रैना की माँ है, फेवरिंग सर्जियस, और सर्जियस उनका भी बड़ा फेवरेट है। अगला करेक्टर है निकोला, ए सर्वेंट इन मेजर पेटकॉफ्स हाउस। निकोला जो है मेजर पेटकॉफ के घर का एक नौकर है। और लास्ट करेक्टर इस प्ले की है ल्यूका, ए मेड सर्वेंट इन मेजर पेटकॉफ्स हाउस। ये मेजर पेटकॉफ के घर की एक नौकरानी है, मैरिड टू सर्जियस, और इसका विवाह किससे होता है, सर्जियस से। ठीक, अब सर्जियस के बारे में भी मैंने बताया, सर्जियस से प्रेम करती है रैना, विवाह किससे होता है, ल्यूका से। तो ये इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हुई वही इस प्ले में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्ले में स्टार्ट करता हूँ जी। इस प्ले के स्टार्ट में सबसे पहले मेजर पेटकॉफ के बारे में, वह बल्गेरिया के सेना के सर्वोच्च अधिकारी हैं। उनका परिवार देश का सबसे धनी, प्रसिद्ध एवं सभ्य परिवार है। मेजर पेटकॉफ की पुत्री रैना जो है वह अपनी निजी लाइब्रेरी और सीढ़ियों पर गर्व करती है। उसके घर में एक लाइब्रेरी है, उस पर वो गर्व करती है। उसके घर की जो सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, उन पर वो बड़ा गर्व महसूस करती है। साथ ही साथ वह एक रोमांटिक लड़की है। अब होता क्या है वो सुनिएगा जरा ध्यान से। रैना, जब प्ले हमारा स्टार्ट होता है, तो रैना की माँ कैथरीन पेटकॉफ के कमरे में प्रवेश करती है। उसकी आंखें चमकदार हैं, बाल लंबे सुंदर हैं, आंखें व बाल काले हैं। वह रैना को कमरे में पाने की आशा करती है, लेकिन देखती है कि रैना छज्जे पर खड़ी है, तारों की सुंदरता में खोई हुई है। कैथरीन उसे एक महत्वपूर्ण समाचार देती है। वह सूचना देती है कि रैना का प्रेमी सर्जियस स्लिबनिटजा के युद्ध में नायक बनकर उभरा है।
यह समाचार उसके हृदय को असीम आनंद से भर देता है। वह युद्ध के बारे में और भी जानना चाहती है। वह अपनी पिता की सुरक्षा के बारे में पूछती है तो माप्ता बताती है कि सर्जियस ने अपनी योग्यता से अधिकारियों को मूर्ख बनाकर अपनी टुकड़ी का सफल नेतृत्व किया। उसने बल्गेरियाई सैनिकों में उत्साह भर दिया और सर्ब सेना पर आक्रमण किया और विजय हुआ और सर्बिया के सैनिक भाग गए। कैथरीन को आश्चर्य होता है कि उसकी बेटी सर्जियस को एक वर्ष से आखिरकार प्रतीक्षा क्यों करा रही है, विवाह क्यों नहीं कर रही। उसे तो पहले ही सर्जियस से विवाह कर लेना चाहिए था। वह निर्देश देती है कि रैना को अब बिना देर किए हुए सर्जियस से विवाह कर लेना चाहिए। इधर अपने प्रेमी सर्जियस की सफलता पर रैना खुशी में पागल हो जाती है। उसे अपने को महान देशभक्त और सच्चा नायक सिद्ध किया है। रैना सर्जियस के विषय में बहुत सोचती है। उन दोनों के समान विचार हैं। दोनों ही बायरन और पुश्किन को पसंद करते हैं। लॉर्ड बायरन पुश्किन राइटर हैं, किंतु उसके मन में अब भी संदेह है कि सर्जियस के महान गुण अस्थायी हैं। संभवतः वह बहादुरी दोबारा न दिखा पाए। अब ल्यूका की बात आती है। एक जो जैसे कि ल्यूका के बारे में बताया मैंने, मेड सर्वेंट है, वह प्रवेश करती है रैना के कमरे में। वह स्वभाव से बड़ी जिद्दी है, किंतु वह सिर्फ कैथरीन से डरती है। वह सभी शटर व खिड़की बंद करने को कहती है क्योंकि गली में लड़ाई की संभावना है। बल्गेरिया सैनिक सर्ब सैनिकों को भगा रहे हैं और गोलीबारी हो सकती है। रैना आश्वासन देती है कि वह सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर देगी जैसे ही कोई आवाज़ होगी, किंतु कैथरीन ल्यूका को सभी खिड़की बंद करने को कहती है, लेकिन क्योंकि रैना जल्दी सो सकती है। रैना अपनी बात पर अडिग है। गुड नाइट कहकर कैथरीन चली जाती है। ल्यूका रैना को संकेत देती है कि वह आसानी से शटर खोल सकती है क्योंकि उसका बोल्ट टूटा हुआ है, और रैना को खोलने की तरकीब भी बताती है। कक्ष में एकांत स्थिति में रैना जो है जब वहाँ चली जाती है, ल्यूका भी चली जाती है, तो रैना अपनी नाइट गाउन में है। वह ड्रॉर से सर्जियस का चित्र निकालती है और जीवन को अंतिम सांस तक उसकी पूजा करने की कसम खाती है। सर्जियस का चित्र वापस रखकर वह एक उपन्यास पढ़ने लगती है। शीघ्र ही उसे गली में गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। रात के एकांत में व्यवधान होता है। दोबारा दो और गोली चलने की आवाज़ आती है। वह तुरंत मोमबत्ती बुझा देती है और बिस्तर पर लेट जाती है। गोलीबारी की आवाज़ें आती हैं और वह शटर खुलने की आवाज़ सुनती है और एक व्यक्ति का कमरे में प्रवेश होने का आभास होता है। शटर पुनः बंद हो जाता है और कमरा अंधकार में डूब जाता है। फिर गोलीबारी की आवाज़ आती है। उसे गहरी सांस की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तुरंत माचिस की एक तीली जलाती है। रैना चिल्लाकर पूछती है वहाँ कौन है। एक पुरुष की आवाज़ आती है और वो कहता है कि शांत हो जाओ अन्यथा गोली मार दूंगा। वह आपका कैप्टन ब्लंटली है, 34 वर्षीय ब्लंटली रेत तथा बर्फ से ढका हुआ है। वह सैनिकों की फटी पोशाक में है और रैना को बताता है कि यदि बल्गेरियाई सैनिकों ने उसे पकड़ लिया तो उसे गोली मार देंगे। वह मृत से बचना चाहता है। उसे भयभीत देखकर रैना को घृणा होती है। सैनिक उसे विश्वास दिलाता है कि सभी सैनिक मृत से डरते हैं। वह रैना को धमकी देता है कि चिल्लाने पर वह उसे गोली मार देगा। वह तर्क देता है कि उसकी चीख सुनकर बल्गेरियाई सैनिक आ जाएंगे और उसे सुअर की भांति काट देंगे। यह सब रैना की उपस्थिति में होगा और अभी रैना अर्धनग्न अवस्था में है। इस पर रैना अपना गाउन लेना चाहती है और वह व्यक्ति पिस्तौल की नोक पर रैना को रोक देता है। वह रैना का गाउन छीन लेता है और कहता है कि अर्धनग्न अवस्था में उसे किसी इस अवस्था में तुम किसी को कमरे में नहीं आने दोगी। वह व्यक्ति निश्चिंत होकर अपनी पिस्तौल फेंक देता है क्योंकि वह जानता है कि युक्ति अर्धनग्न अवस्था में अधिक प्रभावशाली हथियार है। बाहर बहुत शोर होता है। दरवाज़ा बुरी तरह से खटखटाया जा रहा है। भैया कैथरीन जो है वो दरवाज़ा खोलने को कहती है ल्यूका, और वो दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर अचानक रैना के गेट पर आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो कैप्टन जो है वो रैना को उसका गाउन देता है और कहता है कि देखो ध्यान रखना, किसी को बताना मत मैं यहाँ हूँ। तो रैना को उस पर दया आती है, उसको पर्दे के पीछे छिपा देती है। उसके बाद गेट खोलती है और इस प्रकार से खोलती है जैसे मानो सो रही हो। तो बल्गेरियाई सैनिक अंदर आते हैं, कमरे में चारों तरफ तलाशी कर लेते हैं करते हैं और उससे पूछते हैं रैना से क्या कोई कमरे में प्रवेश किया है। तो रैना इनकार कर देती है। फिर बल्गेरियाई सैनिक चले जाते हैं। ठीक उसके बाद पर्दे के पीछे से वह सैनिक बाहर निकलता है, धन्यवाद देता है। रैना उसको एक ऑस्ट्रियन समझती है तो वह बताता है कि वह एक स्विस निवासी है और एक प्रोफेशनल
एक प्रोफेशनल सैनिक है, वह सोचता है कि खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। रैना उसे मूड़े पर बैठने को कहती है और बताती है कि ऑफिसर उसकी पिस्तौल की ओर देख रहा था। रैना उसको पिस्तौल वापस करती है और बताती है और वह बताता है कि भैया मेरी पिस्तौल तो खाली है। वह कहता है कि मुझे गोलियों की ज़्यादा ज़्यादा चॉकलेट पसंद है। रैना आश्चर्य से पूछती है कि क्या यह स्कूली बच्चों की तरह जेबों में चॉकलेट भरकर घूमता है। तो वह व्यक्ति स्वीकार करता है कि हाँ, मैं सैनिक जरूर हूँ, लेकिन मैं चॉकलेट अपनी जेब में भरकर घूमता हूँ। रैना जो है वो डिब्बा निकाल कर उसे देती है, जो कि चॉकलेट से भरा होता है। वह धन्यवाद देता है रैना को और जितनी भी चॉकलेट्स होती हैं वो सब खा लेता है, रैना को एक भी चॉकलेट नहीं देता। कोई बात नहीं, उसके बाद ये समाचार जो है वो रैना की माँ को भी पता लगता है, कैथरीन को। वो रैना बताती है कि इस प्रकार से एक सैनिक हमारे यहाँ है। तो रैना उसे चॉकलेट मतलब ये होती है, कैप्टन ब्रंटली इतना अधिक थका हुआ है कि वह रैना के बिस्तर पर ही सो जाता है। रैना अपनी माँ के साथ उसे मेजर पेटकॉप का एक पुराना कोट देती हैं और घर से सुरक्षित निकलने में उसकी मदद करती हैं। इस प्रकार से कैप्टन ब्लंटिसली जो है उसकी जान बच जाती है। फिर अगला जो इंसिडेंट होता है वो 4 महीने बाद का है। ठीक 4 महीने बाद युद्ध के समाप्त होने पर मेजर पेटकॉप सर्जियस के साथ लौटता है। सर्जियस ने सर पर विजयी आक्रमण किया था, अतः वह बहादुरी का नायक हो गया है। सर्जियस एक स्विस अधिकारी की कहानी सुनाता है जिसने एक बल्गेरियाई परिवार में शरण पाई थी। अब सोचो, वह समाचार मतलब वह कहानी सुना रहा है एक सैनिक की जिसने कि एक बल्गेरियाई परिवार में शरण ली थी। तो यह कहानी किसी और की नहीं है बल्कि कैप्टन ब्लंटली और रैना वाली एपिसोड की है। रैना और कैथरीन सर्जियस को फटकारती हैं कि स्त्रियों की उपस्थिति में उसे यह बद्दी कहानी नहीं सुनानी चाहिए। अकेले में सर्जियस रैना के प्रति अपने उच्च प्रेम को प्रकट करता है। रैना भी उसकी एक देवता की भांति पूजा करती है, किंतु जैसे ही रैना अपने कमरे में जाती है सर्जियस सुंदर नौकरानी लूका की ओर आकर्षित होता है। कैप्टन ब्लंटली मेजर पेटकॉप का पुराना कोट वापस करने आता है। कैथरीन किसी प्रकार सबको संभालती है और कोई नहीं जान पाता कि कैप्टन ब्लंटली कोट वापस करने आया है। सर्जियस एवं मेजर पेटकॉप कैप्टन ब्लंटली का स्वागत करते हैं और सेनाओं के बंदोबस्त में उसकी सहायता लेते हैं। मेजर पेटकॉप अपना पुराना कोट पहनना चाहता है तो वो उसकी जो नौकर है निकोला वह उसको लाकर कोट देता है, वह कोट पहनता है। तो मेजर कोट को पेटकॉप कहता है कि मेरी अनुपस्थिति में इस कोट को किसी ने पहना है क्योंकि उसकी सिलाई उतरी हुई है। लेकिन सब लोग कहते हैं मैं कैथरीन और रैना के ऐसा हो ही नहीं सकता, आपका कोट कौन पहनेगा, वो तो वहीं टंगा हुआ था। लेकिन यहाँ एक और इंसिडेंट होता है। रैना ने जब वह कोट कैप्टन को दिया था तो अपनी एक फ़ोटो उसमें रखती थी। अब उसको ये लगता है कि पिता को कहीं फ़ोटो ना लग मिल जाए क्योंकि उस फोटो के पीछे उसने कुछ प्रेम की बातें लिखी थी। तो जैसे ही वो कोट आता है रैना ने बड़ी चालाकी के साथ उसमें से अपना फ़ोटो निकाल लेती है और उसके में पीछे जो उसने लिखा था वो लिखा था कुछ प्रेम भरे शब्द थे चॉकलेट क्रीम सोल्जर के बारे में। यानी कि उसने उस कैप्टन का नाम कैप्टन ब्लंटली का नाम क्या रख दिया था आपका चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ल्यूका सर्जियस को बताती है कि कैप्टन ब्लंटिसली के रैना के साथ गुप्त संबंध है। यानी कि वो जो बंदा रुका था रात में जिसकी तुम कहानी सुना रहे थे वो कोई नहीं कैप्टन ब्लंटिसली है और जिसने शरण दी थी वह कोई और नहीं रैना है। सर्जियस क्रोधित होता है किंतु रैना उसे यह कहकर फटकारती है कि वह उसके ल्यूका के साथ संबंध जो है उसको भलीभांति जानती है, तो जब तुम खुद गलत हो तो तुम मुझ पर चिल्ला नहीं सकते। सभी की उपस्थिति में कैप्टन ब्लंटिसली यह स्वीकार करता है कि वही चॉकलेट क्रीम सोल्जर है। वह जब सर्जियस को लूका मिल जाती है और कैप्टन ब्लंटिसली को रैना मिल जाती है तो समस्याएं हल हो जाती हैं। यह भी पता चलता है कि कैप्टन ब्लंटिसली अनेक होटलों का मालिक है और उसके पिता की अब मृत्यु हो गई है, तो इस कारण से वो भी बहुत धनवान व्यक्ति हो जाता है और इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये आपकी स्टोरी थी आर्म्स एंड द मैन, जहाँ एक सैटायरिक रूप में इस कहानी को प्रस्तुत किया है। ये एक एंटी रोमांटिक प्ले है। एंटी रोमांटिक इसलिए है क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो सैनिक का मतलब होता है बहादुर। इसमें सैनिक दिखाया गया है जो कि युद्ध से डरता है। नाम रख दिया गया है उसका चॉकलेट क्रीम
सोल्जर, तो एक एंटी रोमांटिक प्ले है, ठीक, जिसको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बड़ी बेहतरीन तरीके से लिखा है। आई होप आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।